आपके दिल्ली के रोहिणी में धमाके की बड़ी खबर है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि धमाके वाली जगह पर एनएसजी की टीम पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रशांत विहार में स्कूल के पास धमाका हुआ है, वहां पर अब एनएसजी की टीम पहुंच गई है। पहले से दिल्ली पुलिस और जांच की एजेंसियां वहां पहुंची हुई है, लेकिन इतला कर दिया गया था एनएसजी की टीम को, और इंतजार किया जा रहा था कि एनएसजी की टीम वहां पर पहुंचेगी और जांच करेगी। और देखिए, फेस्टिव सीजन है, आज करवा चौथ का यहां पर करवा चौथ दिल्ली में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। ऐसे में जो बम धमाका है, मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, एनएसजी की टीम वहां पर पहुंच गई है। मनोज जी, उसके बाद क्या कार्यवाही हो रही है, जांच कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो एनएसजी की टीम है वो यहां पर पहुंच गई है, और जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था, यानी कि जो स्कूल की दीवार है जहां पर ब्लास्ट हुआ था, वहां से एनएसजी की जो टीम है वो सैंपल कलेक्ट करने का काम कर रही है। और ये देखा जा रहा है कि जो धमाका था आखिरकार किस वजह से हुआ था, यानी कि धमाका करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, उसको जानने की अब कोशिश जो है वो एनएसजी की टीम यहाँ पर कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, वो वही यहां पर पहुंच गए थे। इसके बाद इस धमाके की जो जानकारी थी वो एनएसजी को भी दी गई थी, क्योंकि धमाका बहुत बड़ा धमाका था। जिस तरीके से जो सामने जो बिल्डिंग है उसमें जो दुकानें हैं उसके शीशे टूट गए थे, इसके अलावा जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उन गाड़ियों के भी शीशे टूट गए थे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि धमाके की जो तीव्रता थी वो काफी तेज थी, और इसी वजह से ये बहुत बड़ी जानकारी। फिलहाल जहां पर धमाका हुआ है दिल्ली में, वहां पर एनएसजी की टीम पहुंच गई है, और वही सवाल जो हम पूछ रहे थे कि आखिर धमाका किससे किया गया है, क्या किसी बड़े एसिड से अटैक किया गया है या ग्रेनेड है, क्या है, उसकी जानकारी फिलहाल बाहर नहीं आई है, लेकिन जांच की जा रही है। तमाम इससे जो भी जानकारी आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ABP News, आपको रखे आगे।